चुके थे हम इसके बारे में, पराशरण के बारे में। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, पराशरण जो है किसका गुण है? विलायक का गुण है। विलायक जैसे कि मान लो जल है ना, और इसके लिए शर्त है अर्ध पारगम में झिल्ली का होना जरूरी होता है। किसके लिए? पराशरण के लिए। किसका होना जरूरी होता है? अर्ध पारगम में झिल्ली का होना जरूरी होता है। पराशरण में विलायक के कण जो होते हैं अर्ध पारगम में झिल्ली के द्वारा कम पराशरण सांता वाले विलयन से अधिक पराशरण सांता वाले विलयन की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं। पराशरण सांता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं, है ना। कल हमने जो लास्ट पढ़ा था वो था प्रयोग द्वारा पराशरण का प्रदर्शन पढ़ रहे थे हम, है ना। प्रयोग द्वारा प्रदर्शन, उसे वापिस रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रयोग द्वारा पराशरण के प्रदर्शन को। तो प्रयोग द्वारा पराशरण का प्रदर्शन करने के लिए हम क्या करते हैं? एक तिसील कीप लेते हैं। तिसील कीप एक लंबी नली होती है जिसका नीचे का मुंह जो होता है वो कैसा होता है? चौड़ा होता है। यानी उसका निचला सिरा कैसा होता है? चौड़ा होता है, इस टाइप का। ये कहलाती है तिसील कीप। तो पराशरण को प्रदर्शन करने के लिए हम एक तिसील कीप लेते हैं। इस तिसील कीप के निचले सिरे पर, चौड़े सिरे पर, यहाँ पर हम एक अर्ध पारगम्य झिल्ली को लगा देते हैं। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी है ना। उसके बाद में इस तिसील कीप को हम एक बीकर में रख देते हैं। काय में रख देते हैं? बीकर में। और इस बीकर में जल भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है? जल। ये बीकर में हमने तिसील कीप को रख दिया। इस तिसील कीप को एक स्टैंड की सहायता से हम जोड़ देंगे। स्टैंड की सहायता से इसलिए जोड़ेंगे ताकि ये इधर उधर हिले डुले ना, है ना। ये स्टैंड जोड़ दिया हमने इसमें, ये एक स्टैंड जोड़ दिया स्टैंड, ताकि ये इधर उधर हिले डुले ना। इस तिसील कीप में अंदर की ओर हमें जल, वो शर्करा घोल भर देते हैं। क्या भर देते हैं? शर्करा का घोल। और बीकर में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। बीकर में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। ये बीकर है, इस बीकर में हमने जल भर दिया। ये बीकर में क्या भर दिया? जल भर दिया। तो बीकर में क्या उपस्थित है? जल। और तिसील कीप में हमने शर्करा का घोल भर दिया, ये शर्करा का घोल। और इस शर्करा के घोल का जो स्तर होता है उसको हम नोट कर लेते हैं, उसको अंकित कर लेते हैं चिन्ह की सहायता से। और उसको अंकित कर लेते हैं, मान लो ये प्रारंभ में जब हमने तिसील कीप को इससे जोड़ा तब प्रारंभ में शर्करा घोल का स्तर ये है। प्रारंभ में शर्करा घोल का स्तर यहां पर है, इस जगह पर। ये क्यों नोट किया हमने? क्योंकि जब इसमें अर्ध पारगम में झिल्ली से पराशरण की क्रिया होगी तो इस बीकर से जल जो है शर्करा घोल में अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो शर्करा घोल का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा। इधर दूसरी स्थिति नोट करते हैं अपन, बाद वाली। ये वापिस तिसील कीप बना दी और तिसील कीप में क्या भरा हुआ है? शर्करा घोल। तिसील कीप के अंदर क्या भरेंगे? शर्करा घोल। ये शर्करा घोल इसके अंदर भर देंगे तिसील कीप। तिसील कीप के अंदर इसको पहले बीकर में रखेंगे, ये बीकर में रख दिया इसको। और इधर नीचे क्या लगा देंगे? अर्धपारगम में झिल्ली। और इसे हमने जिस बीकर में रखा उस बीकर में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। और शर्करा का घोल जो है इसमें भरा हुआ है, तिसील कीप में। इसमें भी स्टैंड लगाएंगे ताकि ये हिले डुले ना। ये स्टैंड लगा दिया और इधर ये है, इसमें हमने शर्करा घोल भरा। तो शर्करा घोल का प्रारंभ का जो स्तर है वो नोट किया था हमने। अंत में जब हम शर्करा घोल के स्तर को देखेंगे तो वो हमें बड़ा हुआ दिखाई देगा। बड़ा हुआ देखो, पहली स्थिति में इस स्टैंड के नीचे है शर्करा घोल,
ये स्टैंड रहा जहाँ पर स्टैंड लगा हुआ है उसके नीचे, और बाद में जो है शर्करा घोल का स्तर बढ़ जाता है, स्टैंड के ऊपर निकल जाता है। ये अंत में शर्करा घोल का स्तर, शर्करा घोल का स्तर, ये अंत में नोट कर लेते हैं हम। इसमें क्या भरा हुआ है, तिथिल गीब में शर्करा घोल, क्या भरा हुआ है, शर्करा घोल। इसमें क्या भरा हुआ है, बीकर में जल भरा हुआ है, और ये क्या है, अर्ध पारगम में झिल्ली। कौन सी झिल्ली है, अर्ध पार गम में झिल्ली। तो परासरण को प्रयोग द्वारा प्रदर्शित करने के लिए, ये प्रयोग द्वारा परासरण का प्रदर्शन है, इसके लिए हमने एक तिथिल कीब ली, और इस तिथिल कीब को, तिथिल कीब को एक बीकर में रख दिया हमने, किसमें रख दिया, बीकर में। इस बीकर में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। तिथिल कीब का जो ये निचला मुंह है, निचला सिरा है, चौड़ा सिरा, इसमें हमने क्या लगा दी, ये अर्ध पारगम में झिल्ली लगा दी। क्या लगा दी, अर्ध पारगम में झिल्ली। परासरण के लिए किसका होना जरूरी है, अर्ध पारगम में झिल्ली का होना जरूरी है। प्रारंभ में जब हमने तिथिल कीब को बीकर के अंदर रखा और अर्ध पारगम में झिल्ली को लगाया, उसके बाद में हमने प्रारंभ में शर्करा घोल का स्तर नोट किया, तो शर्करा घोल का स्तर ये था, स्टैंड के नीचे था, है ना। फिर कुछ समय बाद में हम वापस इसका निरीक्षण करते हैं, तो शर्करा घोल का स्तर बड़ा हुआ दिखाई देता है, यानी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इस स्टैंड से ऊपर निकल जाता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो जल में, जो बीकर में जल उपस्थित था, वो इस अर्ध पारगम में झिल्ली से होकर कहाँ चला गया, तिथिल कीब के अंदर चला गया। तिथिल कीब के अंदर चला गया मतलब परासरण की क्रिया के द्वारा ऊपर चला गया। कहाँ, बीकर से जल कहाँ चला गया, परासरण की क्रिया के द्वारा इस तिथिल कीब में, और तिथिल कीब में चला गया तो शर्करा घोल का, जैसे ही शर्करा के घोल में जल जाएगा, शर्करा घोल का स्तर ऊपर उठ जाएगा, यानी ऊपर की ओर चला जाएगा। पहले स्टैंड के नीचे था और बाद में कहाँ चला गया, स्टैंड के नीचे। तो ये प्रयोग द्वारा परासरण का प्रदर्शन है। ये समझ में आ गया, सिंबल दिखाओ, समझ में आ गया हो तो सिंबल दिखाओ। आ गया समझ में, एक बार और देख लो। तिथिल कीब का प्रयोग द्वारा परासरण का प्रदर्शन कर रहे हैं हम। इसके लिए हमने एक तिथिल कीब ली, इस तिथिल कीब को कहाँ रख दिया, एक जल से भरे हुए बीकर में रख दिया। तिथिल कीब के नीचे चौड़े मुंह वाले सिरे पर अर्ध पारगम में झिल्ली लगा दी। अर्ध पारगम में झिल्ली लगाने के बाद में हमने प्रारंभ में शर्करा घोल के स्तर को नोट किया, जो कहाँ था, इस स्टैंड के नीचे है। फिर कुछ समय बाद हम इसका वापस निरीक्षण करते हैं, तो हमें शर्करा घोल का स्तर ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, स्टैंड के ऊपर चला जाता है। क्यों, क्योंकि इस जल में, इस बीकर में से जल जो है अर्ध पारगम में झिल्ली से ऊपर होकर कहाँ जा रहा है, इस शर्करा घोल में जा रहा है, और शर्करा घोल में जैसे जैसे जल जाएगा, वैसे वैसे शर्करा घोल का स्तर जो है ऊपर की ओर उठता जाएगा। इस प्रकार से ये प्रयोग द्वारा परासरण का प्रदर्शन हो गया। ठीक, आगे बढ़े, आगे ये समझ में, ठीक आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये तो था तिथिल कीब प्रयोग द्वारा परासरण का प्रदर्शन। हम इसके बाद बात करते हैं, अगला टॉपिक है परासरण का महत्व। परासरण की जो क्रिया होती है, इसका क्या महत्व है, जैसे अपन ने मिश्रण का महत्व पढ़ा था ना, वैसे ही हम परासरण का महत्व देखेंगे। तो परासरण के बहुत महत्व, परासरण का बहुत महत्व है भाई। देखो, इसका जो पहला महत्व है परासरण का, वो है जड़े जो होती है, पौधे की जो जड़े होती है, प्लांट की या पौधे की या पादप की जो जड़े होती है, उनमें जो मूल रोम पाए जाते हैं, उन मूल रोम द्वारा जो जल का अवशोषण होता है, वो परासरण की क्रिया के द्वारा ही होता है। कौन सी क्रिया द्वारा होता है, परासरण की क्रिया के द्वारा। जैसे मान लो ये पौधे की जड़ें हैं, इनमें ये मूल रोम उपस्थित है, ये मूल, ये पृथ्वी की सतह है ये वाली, और ये नीचे जड़ों में मूल रोम पाए जाते हैं, ये मूल रोम है। तो जड़ जो होती है, मूल जो होती है, उनमें जो रोम उपस्थित होते हैं, उन्हीं के द्वारा जल का और खनिजों का अवशोषण होता है। ये मूल रोम है, मानो क्या है, ये मूल रोम। तो मूल में उपस्थित रोम क्या कहलाते हैं, मूल रोम कहलाते हैं। अब परासरण की क्रिया के द्वारा, मूल रोम के द्वारा जल का जो होता है अवशोषण होता है भाई। क्यों होता है, क्योंकि जब मूल के अंदर या मूल रोम के अंदर जल की सांद्रता कम हो जाती है, तो जल की सांद्रता कम हो, मूल रोम के अंदर जल कम हो जाएगा,
और जहां जल कम होता है वहां पराशरण सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, जैसे ही पौधे के अंदर जल की कमी हो जाएगी तो वो जड़ के अंदर भी कमी होगी और मूल रोम के अंदर भी कमी हो जाएगी, काहे की जल की। और जहां जल की कमी होती है उस जगह पर, जहां जल की कमी होती है उस जगह पर पराशरण सांद्रता अधिक होती है। तो देखो जैसे ही मूल रोम में जल की कमी हो जाएगी तो भूमि के नीचे जो जल होगा ना उसकी तुलना में मूल रोम की पराशरण सांद्रता ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मूल रोम में जल की क्या हो गई, कमी हो गई। और जैसे ही मूल रोम में जल की कमी हो जाएगी तो जल जो है भूमि से कहां चला जाएगा, मूल रोम में, और मूल रोम के द्वारा जल का क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। तो पराशरण की क्रिया के द्वारा मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण होता है, पहला महत्व था ये किसका, पराशरण का। दूसरा महत्व देखो, इसके द्वारा जो है घुलित खनिज लवण का आंशिक अवशोषण होता है, घुलित खनिज लवण। अब खनिज लवण कहां घुलेंगे, जल में घुलेंगे, और जब जल का अवशोषण होगा तो जल में घुले हुए खनिज लवण भी कहां पहुंच जाएंगे, मूल रोम में पहुंच जाएंगे। जैसे ही मूल के अंदर या मूल रोम के अंदर जल की कमी होगी तो मूल रोम के अंदर जैसे ही जल की कमी होगी तो मूल रोम की पराशरण सांद्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। मूल रोम की पराशरण सांद्रता बढ़ते ही भूमि से मूल रोम क्या कर लेंगे, जल का अवशोषण कर लेंगे। और जैसे ही ये जल का अवशोषण करेंगे तो उस जल के अंदर जो खनिज घुले हुए होंगे वो भी कहां पहुंच जाएंगे, मूल रोम के अंदर पहुंच जाएंगे। तो दूसरा महत्व था पराशरण के द्वारा खनिज लवण का आंशिक अवशोषण होता है। इसका तीसरा महत्व है कोशिकाएं जो होती है उनकी जो स्पीति व तरुण कोशिकाओं की जो वृद्धि होती है वह पराशरण पर निर्भर करती है। देखो भाई, जैसे मान लो कोई कोशिका है, कोशिका हमेशा फूली हुई होना चाहिए क्योंकि उसका जीव द्रव्य पूरी कोशिका में फैला हुआ रहता है। ये कोशिका है, कोशिका भित्ति है और ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है, क्या है, ये कोशिका झिल्ली, ठीक। अब इसमें जो है पूरे में कोशिका द्रव्य फैला हुआ है, ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं, ये केंद्रक है। तो ये पूरी कोशिका झिल्ली के अंदर फैला हुआ है। तो कोशिका को स्फीत बनाए रखने के लिए स्फीत होना जरूरी होता है और स्फीत बनाए रखने के लिए पराशरण क्रिया का महत्व होता है भाई। क्यों होता है, क्योंकि कोशिका क्या करती है, पराशरण की क्रिया के द्वारा आवश्यक जो पदार्थ होते हैं जैसे कि जल है, जल में घुले हुए जो पदार्थ हैं उनका अवशोषण कर लेती है, जिससे कोशिका क्या रहती है, स्फीत बनी रहती है। स्फीत मतलब फूली हुई बनी रहती है। और जब कोशिका स्फीत बनी रहेगी, स्फीत बनी रहेगी मतलब उसको आवश्यक पोषण मिलता रहेगा, तो कोशिका की क्या होगी, वृद्धि होगी। तरुण कोशिकाओं की वृद्धि किसके द्वारा होती है, पराशरण की क्रिया के द्वारा। तरुण मतलब नई कोशिकाओं की वृद्धि किसके द्वारा होती है, पराशरण की क्रिया के द्वारा। क्यों, क्योंकि पराशरण की क्रिया के द्वारा जो है कोशिका आवश्यक पोषक पदार्थों को अंदर लेती है या उनका अवशोषण करती है। ये इसका तीसरा महत्व था किसका, पराशरण का। चौथा महत्व देखो इसको, इसका पादप के जो विभिन्न अंग होते हैं वह कोशिकाओं के मध्य जो जल का संवहन होता है या परिवहन होता है वह पराशरण के द्वारा ही होता है भाई। पादप के जो विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं जैसे कि मान लो मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण हो गया, अब आगे जल कैसे जाएगा, पराशरण की क्रिया के द्वारा ही आगे की ओर बढ़ता है। क्यों, क्योंकि आगे जल की कमी है। देखो भूमि से जल का अवशोषण हुआ काय में, मूल रोम में, पहले मूल रोम में जल की कमी थी, कमी थी तो भूमि से कहेगा होगा जल का अवशोषण होगा, फिर ये मूल रोम में जैसे ही जल पहुंच जाएगा तो मूल रोम की पराशरण सांद्रता कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऊपर वाले जो अंग है इसके, कॉर्टेक्स वलकुट वगैरह, उनमें पराशरण सांद्रता अधिक होगी तो मूल रोम से जल कहां चला जाएगा, कॉर्टेक्स में यानी वलकुट में चला जाएगा। इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तो कोशिका के जो अंग हैं या पादप के जो अंग हैं और अन्य कोशिकाएं हैं उनमें जो जल का परिवहन या संवहन होता है वो भी पराशरण की क्रिया के द्वारा होता है। चौथा महत्व था ये। पांचवा महत्व है रंध्रों का खुलना। रंध्र जो होते हैं, पत्तियों में जो रंध्र उपस्थित होते हैं उनका खुलना व बंद होना पराशरण के द्वारा होता है भाई। किसकी, कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, पराशरण की क्रिया के द्वारा रंध्रों का खुलना, रंध्रों का खुलना और बंद होने वाली जो क्रिया होती है। बीजाणुधानियां जो होती है जैसे कि ब्रायोफाइटा, आपने 11th क्लास में पढ़ा है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इनमें जो बीजाणुधानियां होती है, पौधे जो होते हैं इनमें जो बीजाणुधानियां जिनमें बीजाणु पाए जाते हैं, जब बीजाणुधानियों का स्फुटन होगा, स्फुटन का मतलब होता है फटना,
स्फुटन का मतलब क्या होता है, फटना। जैसे मान लो ये एक बीजाणु दानी है, पौधे में जो बीजाणु दानियां होती है उनमें बहुत सारे बीजाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु। आपको ध्यान हो तो 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं ये। तो ये बहुत सारे बीजाणु पाए जाते हैं किसमें? बीजाणु धानियों में। जब ये बीजाणु धानु का स्फुटन होगा, स्फुटन का मतलब होता है फटना, जब बीजाणु धानी फटेगी तभी तो ये बीजाणु क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। और स्फुटन नहीं होगा तो ये बाहर नहीं निकलेंगे। तो इनका स्फुटन कैसे होगा? जैसे ही ये बीजाणु धानियां परिपक्व हो जाती है तो ये पराशन की क्रिया के द्वारा जल का अवशोषण करने लगती है। और पराशन की क्रिया के द्वारा बीजाणु धानियां जब जल का अवशोषण करेगी तो धीरे 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 ये क्या होती जाएगी, स्फीत होती जाएगी। स्फीत का मतलब है फूलती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फट जाएगी, और ये फट जाएगी तो ये बीजाणु क्या होंगे, बाहर वितरित हो जाएंगे, फैल जाएंगे, जिससे ये नए पादप का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से बीजाणु धानियों का जो स्फुटन होता है वो भी परासरण की क्रिया के द्वारा ही होता है। क्यों? क्योंकि परासरण की क्रिया के द्वारा जल जो है इन बीजाणु धानियों में अंदर चला जाएगा, और अंदर चला जाएगा तो इनका क्या होगा, ये स्फीत हो जाएंगी, और स्फीत होकर फट अंत में क्या होगा, फट जाएंगी। ये फट जाएंगी मतलब स्फुटन हो जाएगा, और स्फुटन हो जाएगा तो ये बीजाणु जो है बाहर बिखर जाएंगे। उसके बाद में इसका ये पांचवा महत्व था, छठा महत्व, सातवां महत्व है, ये छठा था, सातवां महत्व है पत्ती, पुष्प, फल आदि का जो निश्चित आकार होता है वो भी परासरण की क्रिया पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? परासरण की क्रिया पर निर्भर करता है, या परासरण की क्रिया के कारण होता है। क्यों? देखो, मान लो पौधों को उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिले, उचित मात्रा में जल नहीं मिले, तो उनकी वृद्धि पर उसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और जल का या जल में घुले हुए जो पोषक तत्व होते हैं उनका जो अवशोषण होता है वो कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? परासरण की क्रिया के द्वारा। तो जब पौधे को पोषण मिलेगा तो उसमें पत्तियां, फल और पुष्प आदि जो है अच्छी तरह विकसित होंगे। तो इस प्रकार से परासरण के द्वारा पौधे में पत्तियों, पुष्प, फल आदि का निश्चित आकार भी निर्धारित होता है। उसके बाद में अगला आठवां महत्व है पादपों में हिमीकरण। हिमीकरण का मतलब होता है जमने से बचाना। हिमीकरण का मतलब होता है जमना। जैसे बर्फीले इलाके जो होते हैं जहां पर बर्फ गिरती है, वहां पर पौधे जो है ऐसे ऐसे वातावरण पाए जाते हैं जहां बर्फ गिरती रहती है, तो उन पौधों को जमने से बचाना, बचाने के लिए कौन सी क्रिया का महत्व है? परासरण का महत्व है भाई। हिमीकरण एवं शुष्कन। शुष्कन उस जगह पाया जाता है जहां पर जल की कमी होती है, जैसे कि मरुस्थल। मरुस्थल में क्या होता है, जल की कमी होती है, तो पौधों को शुष्कन का सामना करना पड़ता है। शुष्कन मतलब जल की कमी का सामना करना पड़ता है। और हिमीकरण मतलब जहां पर बर्फ गिरती है वहां पर पौधों के ऊपर बर्फ की चादर जम जाती है, या बर्फ जम जाती है, तो उस कंडीशन से बचाने के लिए भी परासरण का महत्व होता है भाई। तो पौधों को हिमीकरण, हिमीकरण मतलब जमने से बचाने के लिए, और शुष्कन मतलब जल की कमी से बचाने के लिए, या हिमीकरण एवं शुष्कन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो भी परासरण की क्रिया पर निर्भर करती है, या परासरण की क्रिया के कारण होती है। ये था इसका आठवां महत्व। नंबर नौ, फलों और बीजों का जो स्फुटन या परिकीर्णन जो होता है वो भी परासरण की क्रिया के द्वारा होता है। देखो, इसके पहले अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था बीजाणु दानियों का स्फुटन, इसके कारण होता है परासरण की क्रिया के कारण। इसी प्रकार से फल, फल और बीज जो होते हैं इनका स्फुटन भी कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? परासरण की क्रिया के कारण। देखो, बीज का स्फुटन कब होता है? बीज का स्फुटन उस कंडीशन में होता है जब वो जल का अवशोषण करते हैं, और जल का अवशोषण करके वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, और फट जाते हैं तो उनका अंकुरण चालू हो जाता है, और अंकुरण चालू हो जाता है तो नया पादप विकसित हो जाता है। जब हम बीज को भूमि के अंदर डालते हैं, कब? जब हम बीज को भूमि के अंदर डालते हैं तो बीज जो है उस बीज के अंदर परासरण की क्रिया के द्वारा जल जो है भूमि से कहां चला जाएगा, बीज के अंदर चला जाएगा, और बीज के अंदर चला जाएगा जल, तो उस बीज का क्या हो जाएगा, स्फुटन हो जाएगा, और स्फुटन हो जाएगा तो वो बीज क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। इसी प्रकार से फल जो होता है, फल जो होते हैं इनका स्फुटन भी परासरण की क्रिया के द्वारा होता है। आपको बताया, फलों को यदि हम पानी के अंदर डाल देंगे, जैसे कि अंगूर है, अंगूर को हम पानी के अंदर डाल देंगे
तो अंगूर जल का अवशोषण करके फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं? क्योंकि परासन की क्रिया के कारण उनमें जल अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो वो क्या होंगे, फट जाएंगे। इस प्रकार फल और बीज का स्फुटन और प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब होता है जैसे मान लो किसी पादप के बीज छोटे छोटे हैं, या पराग कण जो होते हैं, पराग कण नरयुग्मक होते हैं ये प्लांट में या पौधों में, तो पराग कण या बीज जो होते हैं इनका प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, जगह जगह पर फैलना। जैसे आपको पता है बहुत से पौधे अपने आप ही उग जाते हैं, उन्हें उगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कारण क्या है, उनके बीज जो है वो हल्के होते हैं, हल्के होते हैं तो क्या होता है, जब उनकी वो जो उनका जब स्फुटन होता है, स्फुटन होता है ना, तो फलों का स्फुटन जब होता है तो बीज कहाँ पाए जाते हैं, फल के अंदर। जब फल का स्फुटन होगा तो उनके बीज जो है जगह जगह पर फैल जाएंगे, इसको बोलते हैं प्रकीर्णन। बीज का या पराग कणों का जगह जगह पर फैलना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। अब देखो प्रकीर्णन कब होगा, जब ये फलों का स्फुटन होगा, और फलों का स्फुटन कब होगा, जब परासरण की क्रिया के द्वारा जल जो है फल के अंदर जाएगा, तब जाके फलों का क्या होगा, स्फुटन होगा, और स्फुटन होगा तो बीज जो है जगह जगह पर फैल जाएंगे। तो बीज व फल को, फलों का स्फुटन और प्रकीर्णन भी कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, परासरण की क्रिया के द्वारा होता है। तो ये परासरण के 9 महत्व थे भाई, समझ में आए, ये सिंबल दिखाओ अगर समझ में आ गए हो तो आगे बढ़ेंगे। और दिखाओ भाई सिंबल, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे परासरण का महत्व हो गया भाई, प्रयोग द्वारा परासरण, उसके बाद में ये परासरण के महत्व। अब हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य कुंचन, क्या पढ़ेंगे, जीव द्रव्य कुंचन। देखो जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है, जीव द्रव्य कुंचन को प्लाज्मोलाइसिस भी बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन, और जीव द्रव्य कुंचन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन को प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। देखो जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है, जीव द्रव्य कहाँ होता है, कोशिका के अंदर, इसके अंदर होता है कोशिका के अंदर, केंद्रक और कोशिका द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। जैसे मान लो ये एक कोशिका है, क्या है ये, एक कोशिका, इस कोशिका को, इस कोशिका के ये चारों तरफ ये वाली कोशिका झिल्ली है, और बाहर वाली ये क्या है, कोशिका भित्ति, क्या है बाहर वाली, कोशिका भित्ति, और ये अंदर वाली क्या है, कोशिका झिल्ली, क्या है अंदर वाली, कोशिका झिल्ली, और इसके अंदर ये केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य, और ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिका द्रव्य को मिलाकर ही क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। ये कोशिका है ना, इस कोशिका को हम अति पराशरी विलयन में रख देते हैं, किसमें रख देते हैं, अति पराशरी विलयन में, किसमें रख दिया हमने इसको, अति पराशरी विलयन में, है ना, किसमें रख दिया, अति पराशरी विलयन, और अति पराशरी विलयन कौन होता है, जिसकी परासरण सांद्रता कोशिका की परासरण सांद्रता की तुलना में क्या हो, अधिक हो। कल पढ़ा था हमने अति परासरी विलयन, ध्यान हो तो, ऐसा विलयन जिसकी परासरण सांद्रता दूसरे विलयन की तुलना में या कोशिका रस की तुलना में अधिक होती हो, वो क्या कहलाता है, अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन की क्या अधिक है, परासरण सांद्रता अधिक है, और परासरण सांद्रता अधिक है तो मतलब इसमें जल की क्या है, कमी है। जहां पर जल की कमी होती है उस जगह परासरण सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। तो इस अति परासरी विलयन में क्या है, जल की कमी है। मान लो ये अति परासरी विलयन नमक का विलयन है या चीनी का विलयन है, तो इसमें क्या है, जल की कमी है। जब हम इस सामान्य कोशिका को इस अति परासरी विलयन में रखते हैं तो इस कोशिका से जल जो है वो धीरे 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 बाहर निकल जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका जो जीव द्रव्य ना वो थोड़े से छोटे से स्थान पर सिकुड़ जाएगा और छोटा सा हो जाएगा। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। देखो जब किसी पादप कोशिका को
अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो जल जो है बही पराशरण की क्रिया द्वारा, जल जो है इस कोशिका में से बही पराशरण की क्रिया के द्वारा कहां जाएगा, अति पराशरी विलयन में जाएगा, बही पराशरण के द्वारा कोशिका से बाहर जाता है, जिसके कारण कोशिका का जीव द्रव्य जो है एक जगह सिकुड़ जाता है। इस घटना को ही क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जब एक सामान्य कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो सामान्य कोशिका से बही पराशरण की क्रिया के द्वारा जल जो है बाहर जाएगा, बाहर कहां जाएगा, अति पराशरी विलयन में जाएगा, जिससे जो है इस कोशिका का जीव द्रव्य जो है सिकुड़ जाएगा और एक स्थान पर केंद्रित हो जाएगा। इसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। समझ में आ गई ये डेफिनेशन, दिखाओ। नहीं आई समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो जीव द्रव्य कुंचन में क्या होता है, जल जो है सामान्य कोशिका से अति पराशरी विलयन की ओर जाता है, कहां जाता है, अति पराशरी विलयन की ओर। जब हम एक सामान्य कोशिका को, सामान्य पादप कोशिका को अति पराशरी गोल में रखते हैं तो वही पराशरण के कारण क्या होता है, कोशिका के जीव द्रव्य का जल जो है बाहर की ओर गति करने लगता है, जिससे जीव द्रव्य उसका क्या होगा, एक स्थान पर सिकुड़ जाता है या सिकुड़ने लगता है, और इसके कारण कोशिका भित्ति भी सिकुड़ने लगेगी और उसका जीव द्रव्य के मध्य एक खाली स्थान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, खाली स्थान। जैसे मान लो ये प्रारंभिक अवस्था है, जीव द्रव्य की तीन अवस्थाओं में होती है भाई, ये जीव द्रव्य कुंचन की जो क्रिया होती है ये तीन अवस्थाओं में होती है। मान लो ये एक कोशिका है, क्या है, ये एक कोशिका, ये प्रारंभिक अवस्था बना रहा हूं मैं जीव द्रव्य कुंचन की, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन, ये एक पादप कोशिका है, क्या है, ये एक सामान्य पादप कोशिका, और सामान्य पादप कोशिका के चारों ओर ये बाहर ये कोशिका झिल्ली है, सबसे बाहर वाली जो परत है वो तो कोशिका भित्ति है और उसके अंदर वाली जो परत है वो कोशिका झिल्ली है। तो ये जो जीव द्रव्य होगा ये इस जगह आके यहां पर ये जीव द्रव्य है, क्या है, ये जीव द्रव्य, ये प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन की अवस्था है। इसको प्रतिबंधित जीव द्रव्य कुंचन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिबंधित जीव द्रव्य कुंचन। यह भी समझाऊंगा मैं इसे क्यों बोलते हैं प्रतिबंधित जीव द्रव्य कुंचन। सेकंड जो अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है जीव द्रव्य कुंचन की, ये एक कोशिका है, देखो जीव द्रव्य कुंचन की जो क्रिया होती है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि जीव द्रव्य एक साथ सिकुड़ जाता है, एक साथ नहीं सिकुड़ता है, धीरे धीरे सिकुड़ता है। कैसे सिकुड़ता है, धीरे 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 जीव द्रव्य सिकुड़ने लगेगा, एक साथ नहीं सिकुड़ेगा, इस टाइप से। धीरे धीरे सिकुड़ेगा ये जीव द्रव्य, है ना, ये दूसरी अवस्था है जीव द्रव्य कुंचन की, सेकंड अवस्था, और इस सेकंड अवस्था को बोलते हैं प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन, ये सेकंड अवस्था है किसकी, जीव द्रव्य कुंचन की। और जो अंतिम अवस्था होती है उसमें क्या होता है, तीसरी अवस्था जो होती है जीव द्रव्य कुंचन की, इसको अंतिम अवस्था भी बोलते हैं। इस अंतिम अवस्था में जीव द्रव्य बिल्कुल सिकुड़ जाता है, कैसा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ये अंतिम अवस्था है जीव द्रव्य कुंचन की। और इस अवस्था में जीव द्रव्य बिल्कुल सिकुड़ कर, जैसे मान लो ये एक कोना है, ये कोने में जाकर इकट्ठा हो जाता है, ये जीव द्रव्य जो है एक कोने में जाकर क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, ये इस अवस्था को बोलते हैं अंतिम अवस्था जीव द्रव्य कुंचन की, या इसको वास्तविक जीव द्रव्य कुंचन भी बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। अब देखो समझो इसको,
प्रारंभ में जब हम सामान्य पादप कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि जीव द्रव्य तुरंत ही सिकुड़ जाएगा, पहले उसमें से जल जो है धीरे धीरे बाहर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि सामान्य कोशिका की जो परासरण सांद्रता है वो अति पराशरी विलयन की तुलना में क्या है? कम है। और अति पराशरी विलयन की परासरण सांद्रता क्या है? अधिक है। तो जल जो है धीरे धीरे उस सामान्य कोशिका से अति पराशरी विलयन की ओर जाने लगेगा। जैसे जैसे इस कोशिका के अंदर जल की कमी होती जाएगी तो इसकी जो ये कोशिका भित्ति है ना, इसके सिकुड़ने का विरोध करेगी भाई, विरोध करेगी। इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा गया है? प्रतिबंधित जीव द्रव्य कुंचन कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रारंभिक अवस्था को प्रतिबंधित जीव द्रव्य कुंचन। लेकिन कोशिका से जल लगातार बाहर जा रहा है तो कोशिका भित्ति के विरोध करने पर भी कोशिका सिकुड़ती चली जाएगी। और द्वितीय अवस्था में क्या होगा? ये जीव द्रव्य जो है एक बीच में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच में जाकर इकट्ठा हो जाएगा इस टाइप से। इसको बोलते हैं प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन। और लास्ट जो अवस्था होगी उसमें जीव द्रव्य कोशिका का पूरा जल जो है बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो जीव द्रव्य सिकुड़ कर एक कोने में जाकर इकट्ठा हो जाएगा। और कोने में जाकर इकट्ठा हो जाएगा तो कोशिका जो है सिकुड़ जाएगी, शलत हो जाएगी। इस अवस्था को बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। समझ में आ गया ये? अभी दोबारा रिपीट करेंगे इसको, दोबारा क्लास को रिज्वाइन कर